हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके छोटे मोटे भूख के लिए एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चों को क्या होता है कि कभी कभी चटपटी चीज़ें खाना पसंद होती है, तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें मैंने जो भी यूज़ किया है वो सारे वेजीज हैं और मखाना है, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे तैयार किया है। तो पहले हम ले लेंगे बड़ा सा बर्तन, और बर्तन में निकालेंगे हम मखाने। जितने भी मखाने होंगे आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा कम। तो मैंने ये ले लिया है बड़ा सा पैकेट, क्योंकि मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने बड़ा पैकेट लिया है। और ये सारे मखाने को मैंने एक बड़ा सा बाउल में निकाल दिया है, ताकि एक मेज़रमेंट समझ में आए कि मुझे कितना चाहिए। अब मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है सारे मखाने को। अगर आपको घी में से फ्राई करना है तो डेफिनेटली आप घी में फ्राई कर सकते हैं, और भी हेल्दी हो जाएगी। तो मैंने बिना तेल के इसको फ्राई किया है, और इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी होने दिया है। अब हम इस्तेमाल करेंगे मसाला। तो मसाला हमने ले लिया है मैगी मसाला 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा तीखापन भी होगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो तीखा थोड़ा सा कम करिए। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्का सा पिंच आउट करके आप डालिए, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब इसमें हमने डाल दिया है गर्म मसाला, हल्का सा, मतलब 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा डालना है हमें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें फ्लेवर नहीं चाहिए, बिल्कुल टेस्ट के लिए हम मसाला यूज़ करेंगे। अब इसको मिक्स करके ना थोड़ा सा और पका लेंगे, क्रिस्पी होने तक थोड़ा सा और पकाएंगे, ताकि मसाले भी ना अच्छे से कोट हो जाए सारे मखानों में। लगातार चलाते हुए इस मखाने को पका लेंगे, और इसके मसाला भी अच्छे से पक जाएगी। अब ध्यान रखना ये है कि इस जब भी हम मखाने को भून रहे होंगे तो हमारे जो गैस का फ्लेम है वो लो होना चाहिए, ताकि अच्छे से ये पक जाए और नीचे चिपके भी ना। अब इस तरीके से हाथों पे लेकर के थोड़ा सा दबा करके देखेंगे कि हमारे जो मखाना है वो क्रिस्पी हुई है या नहीं। तो मेरे मखाना जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है, आप अपना भी चेक करके देखिएगा, क्योंकि क्रिस्पी रहेगी तभी हमारी ये रेसिपी का मज़ा आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम सब्ज़ियों में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। जो सब्ज़ी हमने ले लिया है खीरा, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, मिर्च लिया है छोटी छोटी बारीक कट करके, जिसे आप अगर बच्चों को बना रहे हैं तो बच्चों के लिए आप स्किप कर सकते हैं। प्याज ले लिया है कद्दूकस करके, छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया है। गाजर, टमाटर भी मैंने छोटे छोटे पार्ट में कट करके लिया है। चुकंदर ले लिया है कद्दूकस करके, और लिया है धनिया, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं किसे हमें बनाना कैसे है। तो पहले हम ले लेंगे कद्दूकस किया हुआ खीरा, और मैंने खीरा लिया है कम से कम 7 से 8 चम्मच। अगर आप इस चम्मच का रिव्यू चाहते हैं, अगर आप इस चम्मच को बाय करना चाहते हैं, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाके बाय कर सकते हैं। मैंने मिर्ची डाल दिया है 3 से 4 चम्मच, जो कि बहुत बारीक कट किया था मैंने। अब मैंने लिया है प्याज, तो प्याज भी हमने 3 से 4 चम्मच लिया है। गाजर हमने ले लिया है 3 से 4 चम्मच। तो ये लिया है मैंने टमाटर, तो टमाटर भी मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल किया है, और चुकंदर भी 3 से 4 चम्मच, क्योंकि जितने भी मैंने वेजेज यूज़ किए हैं ना, ये सारे बच्चों को पसंद आती है। अगर आप इसमें और भी सारे वेजेज ऐड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे वेजेज जो हैं ये भी काफ़ी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला, तो चाट मसाला मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, और ये लिया है मैंने इमली की चटनी। इमली की चटनी की बिना ना ये रेसिपी अधूरी लगती है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसमें मैंने 1 चम्मच हरी चटनी का भी इस्तेमाल किया है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अब इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो चिली फ्लेक्स मैंने ले लिया 1 चम्मच, और ये गया हमारी धनिया का पत्ता, जिससे क्या होगा ना, कलरफुल दिखेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बच्चों को क्या है ना, कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो आप इसे बनाकर अगर आप उनके सामने सर्व करेंगे तो वो तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। कलरफुल चीज़ें देख करके बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप टैप करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्पून से मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, इजीली मिक्स हो जाएगी अच्छे से। मैंने इस तरीके से ना हाथों से मिक्स नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है। अब बारी है प्लेटिंग की, तो प्लेटिंग करने के लिए ले लिया है प्लेट, और इसमें डाल देंगे सारे मखाने को, बिल्कुल अच्छे से सजा देंगे। अब बच्चों के सामने ना अच्छे से अगर आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और ये तो कलरफुल है, इससे तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे चीज़, तो चीज़ आप इस तरीके से कद्दूकस करके इस तरीके से ग्रेट करके डालिए, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा। मैं तो कहती हूँ अगर आप डाइट कर रहे हैं, वेट लॉस करने के प्रोसेस में हैं, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि मखाना और वेजेस खाना बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है, जिससे आपका वेट भी गेन नहीं होगा और अच्छे से आप डाइट भी कर पाएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सेफ रहिए, बाय बाय।